हेलो फ्रेंड, माय नेम तजुमुसन। कोर्स की में हम आपको वेलकम करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने एचटीएमएल के एलिमेंट एट्रीब्यूट पर हमने बात की थी और लाइव सर्वर देखा था। इसी वीडियो में हम एचटीएमएल के हेडिंग टैग पर बात करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टैग है और ये कितनी टाइप्स की हो सकती हैं, कहाँ से लेकर कहाँ तक हेडिंग का साइज होता है, क्या होता है, इस पर हम पूरी डिटेल से बात करेंगे। अगर हम देखें डिफॉल्ट साइज ऑफ हेडिंग H1 टैग, ये H1, H2, H3, H4, H5, H6 यानी हेडिंग टैग हमारे 6 तरह के हमारे पास हो सकते हैं। जो H1 टैग होता है हमारे पास, उसका सो डिफॉल्ट साइज जो हमारे पास होता है, यानी फॉन्ट साइज जो हमारे पास होता है, वो 32 पिक्सल में होता है। H2 में आ जाए हमारे पास जो उसका डिफॉल्ट साइज होता है वो 24 होता है। H3 का 20.8 पिक्सल होता है। H4 का 16 पिक्सल होता है। H5 का 12.8 पिक्सल होता है और H6 का 11.2 पिक्सल होता है। इसको हम प्रैक्टिकल से भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बताता जाऊँ। जो हेडिंग टैग होता है, यानी कि एक तो हमारे पास डिफॉल्ट में साइज इसका स्पेसिफिक है ही है कि H1, अगर हम डिफॉल्ट साइज देखें तो 32 पिक्सल, लेकिन ये डिफॉल्ट में है। अगर हम इसका साइज इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं इस साइज को, वो कैसे करेंगे, उसके लिए हमें स्टाइल एट्रीब्यूट, हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है, वो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था एट्रीब्यूट क्या होता है। ये यानी कि एट्रीब्यूट हमारी जो हमारा टैग होता है, मैंने कहा था टैग की प्रॉपर्टी को इन्हेंस करने के लिए हम एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। अब ये हमारे पास एक टैग है H1, इसकी प्रॉपर्टी को, इसको चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, एट्रीब्यूट का हम यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर एट्रीब्यूट स्टाइल नेम से है, हम स्टाइल नेम का एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, जिससे हम क्या करेंगे, वो कैन मॉडिफाई द डिफॉल्ट साइज ऑफ एचटीएमएल हेडिंग एचटीएमएल के जो हेडिंग टैग है उसके हम डिफॉल्ट साइज को चेंज कर सकते हैं। वी कैन स्पेसिफिक द साइज ऑफ हेडिंग यूजिंग द CSS फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी। ये CSS फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी यानी कि CS में चली जाती है। CS में जाकर हम डिटेल से भी बात करेंगे। CS में जाकर हम देखेंगे कि कैसे हम, यानी कि ये स्टाइल प्रॉपर्टी, यहाँ पर हम थोड़ा सा हिंट आपको मैं थोड़ा सा बताता जाऊँगा HTML में, लेकिन ज़्यादा डिटेल्स हम CS में जाकर इसको देखेंगे कैसे हम फॉन्ट साइज पर करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बताऊँगा ज़रूर। वी कैन आल्सो इंक्रीज और डिक्रीज द फॉलोइंग हेडिंग साइज अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। हम जो हमारी रिक्वायरमेंट होगी उसके मुताबिक हमारा जो हेडिंग होगा, हेडिंग की जो फॉन्ट साइज होगा, डिफॉल्ट साइज होगा, उसका हम इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी सकते हैं। अब हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ये हमारे पास विजुअल स्टूडियो, एक तरह मैं वीडियो स्टूडियो खोल लेता हूँ, हमारा अपना डिफॉल्ट ब्राउजर ये मैंने ओपन किया हुआ है। अच्छा, यहाँ पर मैंने कंट्रोल एस करता हूँ, ये देखिए लाइव सर्वर हमारे हुआ, खुद ब खुद ऑटोमेटिकली हमारा ब्राउजर क्या हो रहा है, रिफ्रेश हो रहा है। अब हम यहाँ पर H1 हेडिंग टैग हम देखते हैं, ये मैं हिंट दे देता हूँ कि हम क्या यूज कर रहे हैं। कमेंट दे दिया मैंने, हेडिंग टैग्स हम इस वीडियो में हम सीखने लगे हैं। सबसे पहले अब मैंने बताया था हेडिंग टैग की 6 तरह का हमारे पास हेडिंग टैग होता है, H1, H2, H3, H4, H5 और H6। सबसे पहले हम H1 देख लेते हैं, H1 हेडिंग टैग। इस तरह आपने इसको क्या करना है, ये ओपनिंग हमारा है, ये क्लोजिंग, इसको क्लोज भी लाजमी करना है, और इसके दरमियान जो लिखी हम वो हमारे पास क्या होगा, कंटेंट होगा। मैं लिख देता हूँ हेडिंग वन लिख दिया, इसको कंट्रोल एस करता हूँ, देखिए हमारे पास क्या आ गया, हेडिंग 1 आ गया। हेडिंग यहाँ पर मैं इसको कॉपी करता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ 4-5-6 मतलब इसको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ हेडिंग 2, H2, इसको थोड़ा सा मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि आपको वाजह फर्क है। अब देखिए ये हेडिंग, अब देखो वो उसमें हमने क्या देखा था, इसका जो डिफॉल्ट साइज हमारे पास कितना है, 32 पिक्सल में आ रहा है, 32 पिक्सल में, और H2 का हमारे पास जो डिफॉल्ट साइज है वो कितना है, 24 पिक्सल में आ रहा है। देखिए अब उससे क्या हो गया, हमारा उसी तरह जो हमारा आउटपुट थी वो हमें शो हो रही है। देखिए H1 हमारा आ रहा है, फिर उससे कम हमारा हेडिंग 2 आ रहा है। अब इसी के साथ अब हम देखें H3, मैं आपको दिखाता हूँ अब करके, H3 हेडिंग लेते हैं और H3 देते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ H3। अब देखें ज़रा ये देखें H3 है, देखें पहले हमने क्या यूज़ किया था, H1 हेडिंग यूज़ किया था हमने, फिर हमने H2 देखा, थोड़ा सा फॉन्ट साइज कम हो गया, बोल्ड कम हो गया। अब देखिए थर्ड में आकर उससे भी कम हो गया। अगर हम यहाँ पर हम अब 4 पर जाकर बात करें, 4 ज़्यादा क्या हो गया, कम हो गया। अब देखें अब H4 का हमारे पास डिफॉल्ट साइज कितना ले रहा है, 16 पिक्सल हमारे पास H4 का डिफॉल्ट साइज आ रहा है। H5 का कितना आएगा, 12.8 आएगा और H6 का 11.2 आएगा। अब H5 को हम देख लेते हैं, यहाँ पर मैं ये ओपन कर लेता हूँ और H5 पर मैं देखूँगा, H5 आएगा यहाँ पर भी H5, और इसको मैं H6 कर देता हूँ, और इसको भी क्या कर देता हूँ, H6
देता हूँ। अब मैंने रिफ्रेश किया, देखें H1, अब देखें H1 कितना, देखें सबसे बोल्ड, सबसे ज़्यादा यानी का फॉन्ट साइज इसका है, फिर H2 का है, फिर H3 का है हमारे पास आ जाता है, फिर H4 का आ जाता है, फिर H5 का आ जाता है, फिर H सबसे कम जिसका है वो है H6। ये हेडिंग टाइप की 6 यानी कि हमारे पास टाइप सी जो हम HTML में यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं अगर हम इसका अपनी मर्जी से हमने इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज़ करना हो या डिक्रीज़ करना हो, वो थोड़ा सा काम CSS में चला जाता है, लेकिन जहाँ पर हम थोड़ा सा HTML में हम करके देख लेते हैं। अगर हम देखिए ये H6 में हम करके देख लेते हैं, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि जब हम CS पढ़ेंगे तब हम उस पर डीप में बात कैसे हम चेंज करते हैं। अब देखिए ये स्टाइल मैंने कहा था, एट्रीब्यूट्स हम क्या करते हैं, अपना जो डिफ़ॉल्ट साइज होता है एडिंग का, वो हम इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। अब मैं लिखता हूँ फॉन्ट साइज, ये फॉन्ट साइज 24 पिक्सल हो जाए, और सेमी कोलन कहता हूँ मैं इसको, कहता हूँ कंट्रोल एस करता हूँ। देखें जैसे मैंने स्टाइल फॉन्ट कहा तो देखें क्या होगा, हमारा इंक्रीज़ होगा ना इस तरह। जो ये देखें H6 था हमारे पास, ये H6 का हमने क्या किया, डिफॉल्ट से हमारे जो उसका साइज़ था फॉन्ट वो हमने क्या कर दिया, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमने उसको क्या क्या चेंज। अगर मैं देखें यहाँ पर मैं कुछ और 64 कर लेता हूँ, ये देखें देखें कैसे वो चेंज हो रहा है। अगर हाँ, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, लाइक एंड शेयर करिए, और कमेंट में बताइए कि हमें अपनी वीडियो को कैसे हम और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे अपनी वीडियो में डालनी चाहिए ताकि आपको आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो से सीख सकें और अपनी ज़िंदगी को एक अच्छे तरीके से यानी कि इनकम आपकी ज़िंदगी में आने शुरू हो जाए, आपको रोज़गार मिल सके। तो आप हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए ताकि हमें भी सपोर्ट मिले। थैंक यू।